नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते। तो अरबी के पत्ते आज मैं दो प्रकार से बनाना बताऊंगी। तो ये अरबी के पत्ते को हमने अच्छे से धो के और बढ़िया अच्छे साफ करके रख लिया है और इसको हम अभी कैंची से काटेंगे। इसका जो ये पीछे का डंठल है, ये जो पीछे का डंठल है इसको हम कैंची से काट रहे हैं और इसको भी हम कैंची से पीछे से काट लेंगे। अब मैंने ये एक कटोरी बेसन लिया है तो इसमें अब मसाला डालूंगी। मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ा ये खड़ा जीरा डाल दिया है, साबुत, ये स्वाद अनुसार नमक डाला मैंने और थोड़ी सी हल्दी डाल दी इसमें और मिर्ची भी थोड़ी सी डाली है और थोड़ा सा ये धनिया पाउडर डाल दिया है। और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोलेंगे। थोड़ा पानी डाल के इसलिए घोलना चाहिए जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए, ये इस तरह से बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए इसका घोल और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए इसकी थिकनेस। ये इस तरह से हमने इसको घोल लिया है। अभी थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये हमारा बेसन का घोल तैयार है। थोड़ा सा एक चम्मच पानी और डालेगा। ये देखिए, अब हमारा ये घोल तैयार हो गया है। ये इस तरह की थिकनेस इसमें रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना बहुत पतली। ये हमारी ये बेसन के घोल हमने तैयार कर लिया है। मैंने ये चलनी ली है और इसमें मैंने थोड़ा तेल लगा दिया है और मैंने ये गैस पर पानी गर्म होने को रख दिया है और इसके ऊपर मैंने गैस पर 2 गिलास पानी रखा है इसमें तपेली में और तपेली के ऊपर मैं यह चलनी ढक रही हूँ। ये जो गुइया के पत्ते हैं ये चिकना भाग ऊपर रखना चाहिए और ये जो वैसा धारी वाला भाग है, इसमें जो धारी धारी दिख रही है, लाइनिंग दिख रही है, लाइनिंग वाला भाग नीचे रखना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लाइनिंग वाले भाग पे हम बेसन का घोल लपेटेंगे। ये इस तरह से लपेटेंगे, ना बहुत ज़्यादा डालना चाहिए और ना बहुत कम, पूरे पत्ते पे ये अच्छे से घोल हमारा आ जाए। ये इस तरह से घोल, ये हमारा घोल हमने कर दिया है इस पे और अब इसको ऐसे रोल करेंगे धीरे धीरे आराम से। ये इस तरह से रोल करके और जो हमने तपेली के ऊपर चलनी रखी उसके ऊपर हम रख देंगे। आहे, ये चलनी हमने रखी है, इस पर मैंने ये दोनों ये रख रही हूँ और इसको अब 2-3-4 मिनट के लिए हमने गैस को फुल फ्लेम पर कर दिया है और अब इसको हम इससे ढक देंगे। अब 2-3 मिनट के बाद फिर हमारा ये अरबी का पत्ता पक के तैयार। अब ये 3 मिनट हो गए हैं, अब हम ये इसको ढक्कन हटा के इसको देख लेते हैं। इसको गैस के फ्लेम को हमने फुल कर दिया था और अच्छे से उबल के तैयार हो गए हैं। ये अच्छे कड़क हो गए हैं, बेसन अंदर से अच्छा पक गया है। अब इसको हम निकालेंगे। ये इस तरह से हमने निकाल के थाली में रख लिया और इसको भी हमने निकाल के थाली में रख लिया है। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब
ये गुइया के पत्ते हमारे तैयार हो गए हैं। ये 2 महीने बताने के लिए आपको कि कैसे बनते हैं ये मैंने रखे थे, बाकी मैंने पहले से ये बना के रखे हैं। तो अब इन सबको मैं चाकू से इस तरह से पीस करूंगी। ये गुइया के पत्ते बरसात के दिनों में खाना चाहिए, और बरसात के दिन में ही मिलते हैं और अच्छे भी लगते हैं, और उसके ऊपर नींबू मिर्ची जैसा भी आप डालना चाहे डाल के खा सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं ये सब ये ऐसे पीस कर लूँगी सबके। इसको गुइया के पत्ते को बनाना, अरबी के पत्ते को बनाना बहुत आसान है। आपकी जब इच्छा हो तब आप बना के खा सकते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये मैंने इस तरह से पीस कर लिया। अब मैंने ये सारे गुइया के पत्तों को चाकू से पीस कर लिया है छोटे छोटे। अब मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल रखा है, तो इसको पहले हम डीप फ्राई करेंगे। अब हम ये एक डाल के देखते हैं। ये हमारा तेल बहुत तेज गरम नहीं हुआ, हमने मीडियम गरम करा है और आंच को भी मीडियम कर दिया है। अब इसमें हम ये इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। अब 1-2 मिनट के बाद हम इसको उलट पुलट करेंगे। ये अरबी के पत्ते डीप फ्राई हो रहा है, तब तक हम मैं आपको दूसरी तरह से सब्जी की तरह बनाना बताऊंगी कि ये 2 तरह से बनाना बता रही हूँ। तो एक तो हमने डीप फ्राई किया है, और एक ये इसमें हमने 2 चम्मच तेल रखा है। अब ये तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें राई का तड़का लगाऊंगी। मैंने इसमें राई डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ी अजवाइन डाली और ये हरी मिर्ची डाल दी। और इसमें आप थोड़ी सी हींग भी डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाल दिए। और हल्दी डाल रही हूँ, ये हल्दी डाल दी है। अब ये थोड़े से सब्जी की तरह हम इसमें डालेंगे। ये इस तरह से भी आपको कम तेल में बनाना हो तो इस तरह से भी बनते हैं। अब इनको हिला दें। आंच को मैंने धीमा कर दिया है, और अब इसके ऊपर से थोड़ी लाल मिर्च और धनिया पाउडर भी डलेगा। ये हमारे अरबी के पत्ते बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको सब्जी की तरह बनाना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी लाल मिर्च डाली है, और स्वाद अनुसार वैसे नमक इसमें डल चुका है, थोड़ा थोड़ा स्वाद के लिए ये ऊपर से डालूंगी। अभी हमारा अरबी के पत्ते बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये ऐसे आप बना सकते हैं, आपको दोनों तरह से जैसे बनाना हो वैसे आप बना सकते हैं। ये तो हमारे आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये हम इसको देख लेते हैं, ये बढ़िया कुरकुरे हो गए हैं अच्छे। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे हो गए कुरकुरे, बिल्कुल बहुत। आप इसको रख मतलब इसमें इसको जब ठंडे हो जाए तो इसको उसमें डिब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं, और ये चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, ये नाश्ते के रूप में। तो इस तरह से भी आप बना के इसको रख सकते हैं। ये हमारे अरबी के पत्ते बढ़िया कुरकुरे हो गए हैं,
और अच्छे डीप फ्राई हो गए हैं, बढ़िया। इनको तलाने में, इनको तलने में कम से कम 3 मिनट का समय लगा है। ये अरबी के पत्ते हमारे दूसरे वाले भी हम तय होकर तैयार हो गए हैं और इनको हम इसमें रख रहे हैं। ये अरबी के पत्ते हमने तल के जो रखे हैं वो हैं, और ये जो हमने बनाए हैं ये हमने 2 चम्मच तेल में सब्जी की तरह बनाए हैं। अब ये सब्जी वाले में तो आप नींबू निचोड़ के, इस तरह से नींबू ये रखा है आधा नींबू इसमें निचोड़ के, और ये इसमें जो मैंने तल के रखे इसमें ये जीरावन है ये मैं इसमें डालूंगी। ये जीरावन मैंने घर पर बनाया है, अगर आपको मेरे जीरावन का वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।